हमने पांच गारंटियां 20 माह में पूरी की, रिंग घूम रही है पर हो नहीं रहा है। और अपनी महिलाओं को हर महीने 1500 रुपया हमारे देने की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की शुरुआत। प्रदेश में भयंकर आपदा आई, इतिहास की सबसे बड़ी आपदा का हमने सामना किया। चुनौती हमारे सामने थी, सामना भी हमको ही करना था। हम केंद्र सरकार से स्पेशल रिलीफ पैकेज की मांग करते रहे, एक फूटी कोड़ी तक नहीं मिली। हमने अपने बल पर 4500 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया, 23,000 घर या तो आंशिक रूप से टूट गए या पूर्णतया नष्ट हो गए। किसी का आशियाना जो मेहनत की कमाई से बनाया जाता है, उसकी आंखों के सामने पानी द्वारा ध्वस्त कर दिया जाए तो उसके दिल पर क्या बीतती हो। जिसके घर में पीने के पानी का गिलास नहीं बचा, सिर्फ अपनी जान बचाकर वो बाहर भागकर निकला, ऐसे 23,000 परिवारों को बसाने का जिम्मा बिना किसी केंद्रीय सहायता के हिमाचल प्रदेश सरकार पर पड़ा। केंद्र से प्रधानमंत्री आवास योजना के 1,30,000 रुपया मिलता है, हमने कहा 1,30,000 में परिवारों को बसाया नहीं जा सकता जिसने दिन रात मेहनत करके जीवन में एक घर बनाया होता। हम दर्द जानते थे, हमने पूर्ण घर बनाने के लिए 7 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी, एक घर बनाने के लिए 7 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। हिमाचल प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य है क्योंकि दूध पर कोई MSP नहीं मिलता, दूध पर क्योंकि वो 24 घंटे के अंदर खराब हो जाता है। हमने गाय के दूध के मूल्य पर न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 1 किलो गाय के दूध पर 45 रुपए किलो तय किया, भैंस के दूध का मूल्य 55 रुपए किलो तय किया। आज सरकार 45 रुपए किलो के हिसाब से गाय का दूध और 55 रुपए के किलो के हिसाब से भैंस का दूध खरीद रही है।